Hello students, today we are going to start with our second part of our biophysical banking subject, that is banking 2. Okay, the first chapter of the banking 2 is loans and advances. This is the most important and this is the most important chapter, and this chapter has a maximum weightage in the banking 2 syllabus. Okay, now what is the mean by loans and advances? In 11th standards we have gone through some basics of loans and types of loans. Now there are some important points that include the charges, types of loan, advances, types of advances, etc. Okay, now start with the loans and advances. Here there are two points, loans and advances. Okay, hum log is chapter mein dekhenge loan hota kya hai, advances kya hote hain, loans ke types and advances ke types. Okay, next, loan. What is the definition of loan? Loan is a money lent by bank to the borrower against the collateral security, which is repayable after specific period with interest. Okay, यहाँ पे बताया गया है loan is a money. Loan क्या है? एक money है lent by bank. Now what is the mean by lent? Lend means to give. Okay, loan एक money है जो कौन देता है? Bank देता है to the borrower. Borrower is a person who borrows or who accept the money. Bank क्या करता है? प्रॉपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एक कस्टमर को या बोरोअर को देता है अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी. नाउ व्हाट इज द मीन बाय कोलैटरल सिक्योरिटी? कोलैटरल सिक्योरिटी मीन समथिंग व्हिच इज गिवन टू बैंक और व्हिच इज गिवन टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट. जब तक आप आपके लोन का जो आपने मनी लिया है बैंक से वो मनी आप बैंक को रीपेमेंट नहीं करते तब तक आपकी कोई भी एक चीज, आपका कोई भी एक असेट, आपका कोई भी एक सिक्योरिटी आप क्या करते हो? बैंक के पास रखते हो एज अ कोलैटरल. अगेंस्ट योर मनी यू हैव टू कीप समथिंग टू द बैंक इज नोन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी व्हिच इज रीपेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड विद इंटरेस्ट. ओके, ये जो अमाउंट है जो आपने बैंक के पास से ली है अगेंस्ट योर सिक्योरिटी, अगेंस्ट योर सम असेट्स, वो जो अमाउंट है वो मनी है, आपको बैंक को रीपे करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको बैंक को. This interest is income for bank. Okay, loan ki definition samajh mein aayi, is a money lent by bank to the borrower, borrower means customer, against the collateral security which is repayable after specific period. ये जो specific period है वो decided by bank. Bank decided करता है कितने specific period के बाद और कितना rate of interest देना. Okay, after specific period with interest. Okay, next. Loans are source of the finance to individual firm and company. Okay, कोई भी financial, कोई भी company को, individual को, और company को पैसा चाहिए, capital चाहिए, तो loan is a one source of that finance. Okay, collateral is an asset held by borrower of same value or higher value as the amount borrowed. Okay, मैंने आपको यहाँ पे बोला collateral security. For example, I want to टेक लोन ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम बैंक. ओके, अगर मुझे बैंक से 10,000 का लोन लेना है तो मुझे बैंक के पास सेम कोई एक असेट्स या कोई एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी विच हैज सेम वैल्यू और हायर वैल्यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का लोन लिया है तो आई कैन नॉट गिव 10,000 रुपीज असेट्स. जिस असेट्स की मार्केट प्राइस 10,000 है ऐसे असेट्स मैं बैंक के पास नहीं रख सकती. आई हैव टू कीप असेट्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख और मोर देन 1 लाख. इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे लिखा है कोलैटरल इज एन असेट हेल्ड बाय द बोरोअर ऑफ द सेम वैल्यू और द हायर वैल्यू एज अ अमाउंट बोरो. जितना अमाउंट बोरो किया है, जितना अमाउंट बैंक ने दिया है, उस अमाउंट से सेम वैल्यू और हायर वैल्यू का ही कोलैटरल असेट रखा होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अ वन एग्जाम्पल. देयर आर टू पर्सन. देखो यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन के हाथ में पैसा है, मनी है, सेकेंड पर्सन के हाथ में क्या है? उसका घर है, हाउस है. ओके, यहाँ पे नीचे लिखा है बोरोअर टेक्स द लोन, लेंडर गिव्स द लोन. ओके, लेंडर हु गिव्स द लोन, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है ये बैंक एक बैंकिंग पर्सन है, वो क्या कर रहा है? बोरोअर को पैसा दे रहा है और उसके अगेंस्ट बोरोअर इज गिविंग हिम कोलैटरल असेट. दिस हाउस इज अ कोलैटरल असेट. ओके, एक असेट है बोरोअर का, वो बोरोअर किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है और वो कोलैटरल असेट्स के अगेंस्ट बैंक उसको क्या कर रहा है? मनी प्रोवाइड कर रहा है. This whole process is known as a loan. Okay, clear? There are two parties. One is a borrower, second is a lender.
बोरोर, अ पर्सन हु बोरोज लोन, जिसको लोन चाहिए, ठीक है, जो लोन बोरो करता है उसको बोल जाता है बोरोर, मोस्टली उसको बोलते हैं कस्टमर। ओके, लेंडर, लेंडर अ पर्सन हु लेंड्स द लोन, लेंड्स मीन्स टू गिव, जो पर्सन लोन दे रहा है वो होता है लेंडर, जो पर्सन लोन रिसीव कर रहा है वो होता है बोरो। ओके, बोरो इज अ कस्टमर, लेंडर इज अ बैंक, क्लियर है। नेक्स्ट एडवांसेस, अभी हमने देखा लोन क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे एडवांसेस क्या होते हैं। ओके, फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द कंपनीज और फर्म्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है लोन्स एंड एडवांसेस का, लोन में भी अमाउंट दी जाती है बाय द बैंक, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बैंक से, एडवांस में, एडवांसेस में भी क्या होता है, फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय बैंक बट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड हाउ मेनी टाइम्स, लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर से कम टाइम के लिए अगर किसी को लोन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो वो मनी को बोल जाता है एडवांस। ओके, और 1 ईयर एंड मोर अगर होगा तो वो होता है लोन और शॉर्ट टर्म लोन, क्लियर है। एडवांसेस आर फैसिलिटेट्स अंडर प्राइमरी सिक्योरिटी, दैट इज हाइपोथिकेशन, डेटर, प्रोविजरी नोट, कोलैटरल लोन दैट इज मॉर्गेज, गारंटी। ओके, इट मींस अगर आपको एडवांसेस चाहिए तो आप किसके अगेंस्ट दे सकते हो, हाइपोथिकेशन, डेटर, प्रोमिसरी नोट, मॉर्गेज, गारंटी। ओके, ये नेक्स्ट आपको समझना आएगा इसका मीनिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सी, लोन के टाइप्स कौन से कौन से, शॉर्ट टर्म, टर्म लोन, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लोन। फर्स्ट टाइप का शॉर्ट टर्म, टर्म लोन, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। एंड टाइप्स ऑफ एडवांसेस आर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड बिल डिस्काउंटेड। 3 टाइप्स एडवांसेस के, 3 टाइप्स है लोन की, 4 टाइप्स। ओके, नाउ वन बाय वन हम देखेंगे। द फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन। ओके, नाम में ही है, नेम इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म, इट इज गिवन फॉर शॉर्ट टर्म, द पीरियड फॉर 15 मंथ। शॉर्ट टर्म लोन इज अप्लाइड और शॉर्ट टर्म लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक फॉर द only for 15 months, not more than 15 months. Okay? For working capital needs, short term जो bank provide करती है, bank lend करती है, mostly इसका motive होता है for the working capital. What is the meaning of working capital? जो capital है, जो money है, जो day-to-day transactions के लिए, day-to-day काम के लिए use किया जाता है, is known as a working capital needs. Okay? Short term loan is only given for working capital needs. Okay? Next, interest rate. Okay? यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाता है, मोस्टली बैंक 12 to 18% तक का इंटरेस्ट रेट देती है फॉर द शॉर्ट टर्म लोन। ओके, शॉर्ट टर्म लोन के लिए अगर आपने बैंक में अप्लाई किया है, ओके, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, वो कंपनी में आपको रॉ मटेरियल लगता है, एवरी 6 मंथ्स आपको क्या करना है, आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, फॉर एवरी 15 मंथ हम लोग देखेंगे आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मतलब डे टू डे आपको रॉ मटेरियल लगेगा फॉर द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसके लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे और बैंक से यू आस्क फॉर द लोन। ठीक है, वो लोन आपका कौन से कैटेगरी में जाएगा, वो आपका जाएगा शॉर्ट टर्म लोन में जाएगा। ठीक है, यस, ऑफकोर्स बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेगी, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, इट इज बिटवीन 12% to 18%। ओके, इज नोन एज अ शॉर्ट टर्म लोन, क्लियर। नेक्स्ट टर्म लोन। ओके, टर्म लोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। अभी हमने शॉर्ट टर्म लोन देखा, अभी आएगा टर्म लोन। टर्म लोन किसका कॉम्बिनेशन है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। ओके, बेसिकली मीडियम टर्म लोन इज ग्रांटेड फॉर 15 months to 5 years। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, मोस्टली पूछा जाता है मीडियम टर्म लोन किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन कितने पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म लोन कितने पीरियड के लिए होता है। ओके, शॉर्ट टर्म लोन फॉर 15 मंथ्स, मीडियम टर्म लोन 15 months to 5 years। ओके, अगर वो 5 years के ज्यादा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। ओके, तो मीडियम टर्म लोन फॉर 15 months to 5 years, लॉन्ग टर्म लोन मोर देन 5 years। ओके, नाउ वट इज द पर्पज फॉर टर्म लोन, फॉर द रिपेयर्स, एक्सपांशंस, परचेजेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है और आपको एक न्यू मशीनरी परचेज करी। ओके, तो न्यू मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, ऐसी कॉस्ट होगी जो कॉस्ट आप 15 months to 5 years के बीच में ही रिपेमेंट कर सकते, सो इट गोज टू द मीडियम टर्म। एक्सपांशन, व्हाट इज मीन बाय एक्सपांशन,
मेरी कंपनी है, वो कंपनी में ब्रांच ओपन करनी है मुझे, ओके, कुछ हेवी रिपेयर्स करने हैं मुझे कंपनी में. दिस ऑल गोज फॉर द शॉर्ट टर्म लोन, ओके, प्लस दिस ऑल गोज फॉर द मीडियम टर्म लोन. प्लस फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे बहुत बड़ी एक मशीनरी, एक साथ चार पांच मशीनरी परचेज करनी, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, ठीक है. तो इनडायरेक्टली दिस गोज फॉर द गोज टू द लॉन्ग टर्म लोन, ओके. दिस लोन इज अप्लाइड बाय द मेनी कंपनीज, फर्म्स, इवन मोर पर्सनल लोन भी यहाँ पे दिया जाता है, ओके. हायर रेट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल, ठीक है. मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन के लिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म क्या हो जाता है, हायर इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाता है. गिवन अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी, ओके. कोलैटरल सिक्योरिटी, बैंक के पास आपको कुछ रखना है, ठीक है. बैंक के पास आपको कुछ आपके असेट सिक्योरिटीज रखनी है, उसके अगेंस्ट जब आपको लोन मिलेगा, इट नोन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. क्लियर. नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन. सिक्योर लोन्स आर दोज लोन्स विच आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल असेट्स, ठीक है. आर दोज लोन विच आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल असेट्स. नाउ व्हाट इज द मीन बाय टैंजिबल, टैंजिबल असेट्स आपने देखा था, टैंजिबल मीन्स द असेट्स विच वी कैन टच, विच कैन फील, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल असेट्स, ठीक है. जो लोन आपको किसी भी टैंजिबल असेट्स एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखने के बाद ही मिलता है, क्योंकि उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन. मोस्टली सिक्योर्ड लोन इज गिवन अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी. यू हैव टू कीप योर कोलैटरल सिक्योरिटी, योर हाउस, योर फर्म, योर कार, योर फर्नीचर टू द बैंक, एंड अगेंस्ट दैट यू गेट योर मनी, योर लोन मनी इज नोन एज अ सिक्योर्ड लोन, ओके. अगेंस्ट ग्रांटिंग द लोन, चार्ज इज क्रिएटेड ओवर द असेट्स लाइक मॉर्गेज, प्लेट एंड हिपोटिकेशन, ओके. नाउ व्हाट इज द मीन बाय चार्ज, जब आप कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी आपका कोलैटरल असेट बैंक के पास रखते हो, उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया जाता है बाय द बैंक, ओके. दिस चार्ज इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, मॉर्गेज, प्लेट एंड हिपोटिकेशन, ओके. मॉर्गेज एंड हिपोटिकेशन, ओके, क्लियर. दिस हेल्प्स टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द बोरोअर, ओके. सिक्योर लोन, ओके, इस नेम इंडिकेट द सिक्योर, सिक्योर मीन्स सिक्योरिटी. जब बैंक को कोई सिक्योरिटी चाहिए, बैंक ऐसे ही आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा. जब बैंक को अगर मोर अमाउंट का, मैक्सिमम अमाउंट का अगर लोन पे देना है किसी कस्टमर को, तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी, एक टेंजिबल असेट उसके पास रखता है, उसके अगेंस्ट ही उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन द केस दैट कस्टमर नॉट एबल टू पे द लोन, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, वो असेट सेल करेगा, उस जो कुछ भी पैसा है वो रिकवर करेगा, ओके. इसीलिए टैंजिबल असेट्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर. सेकेंड इज अनसिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड की अपोजिट होगा अनसिक्योर्ड लोन, लोन विच आर नॉट कवर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल असेट्स. जिस लोन पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, देर इज नो एनी कोलैटरल असेट्स, इज नोन एज अनसिक्योर्ड लोन. दीज लोन आर granted to firms, institutions against the personal security of owner. Okay, so this is example. यहाँ पे example दिया है, the person is Jack and one lady Aunt May. Okay, there are two types of loan, unsecured and secured. Okay, यहाँ पे लिखा है, देखो, could you lend me $5,000? I can pay you back in 12 months. Jack क्या बोल रहा है कि मुझे 5,000 तुम लोग दे सकते हो क्या अभी, मैं 12 months में वो आपको क्या repay करूँगा. She says, of course, John, darling, here you are. Okay, उसने उसको क्या दिया, पैसा दिया. यहाँ पे कोई भी असेट्स रखा गया है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं, सो इज नोन एज अ अनसिक्योर्ड लोन. ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेम है, वो 5,000 की डिमांड कर रहा है, एंड मैंने 5,000 रुपीज दिए, पर उसने बोला बट आई वॉन्ट योर कार एज अ कोलैटरल. ठीक है, मैं ऐसे ही पैसा नहीं दूंगी, तुम्हारा कोई तो असेट्स, तुम्हारी जो कार है मेरे पास रखो, उसके बाद में तुझे पैसा दो. ठीक है, दिस नोन एज अ सिक्योर्ड लोन बिकॉज यहाँ पे एक सिक्योरिटी, यहाँ पे कोलैटरल असेट रखा गया है टू द बैंक. ओके, दिस नोन एज अ सिक्योर्ड लोन. जहाँ पे सिक्योरिटी है, इट इज अ सिक्योर, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इज नोन एज अ अनसिक्योर्ड लोन. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ लोन. हमने अभी तक देखा टाइप्स ऑफ लोन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवांस. ओके, क्लियर. थैंक यू.